सो फ्रेंड्स, पटवा हवेली के बाद अब मैं आया हूँ गढ़ीसा लेक। और गढ़ीसा लेक कहते हैं कि आर्टिफिशियल लेक है ये, 800-900 साल करीब पुराना, काफ़ी पुराना है, जिसे राजा ने बनवाया था अपने, मतलब आर्टिफिशियल है, अपने लिए बनवाया था। और इस लेक में मैं आया हूँ, पूरा लेक दिखाऊंगा आपको कैसा है और कितना सुंदर नज़ारा है। क्योंकि आप भी सोच रहे होगे यार जैसलमेर में लेक, हाँ यार जैसलमेर में लेक आर्टिफिशियल लेक है, क्योंकि गर्मी बहुत से भी बहुत होती थी यहाँ पे गर्मी, तो इसलिए बनवाया था। वही मैं पूरा लेक आपको दिखाऊंगा, तो आप चैनल में सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, गढ़ीसर झील का निर्माण तत्कालीन शासक राजा रावल जैसल ने लगभग 12वीं-13वीं ईस्वी में जलाशय के रूप में करवाया था। ऐसा बताते हैं दोस्तों कि झील को क्षेत्र की शुष्कता के लिए बनवाया गया था। वहां पर पानी की काफी कमी होती है, तो पानी की पूर्ति के लिए यह झील बनवाया गया था। भूमि की एक विशिष्ट ढाल के कारण यह झील स्वाचित रूप से बहती है, और पुराने समय में यह झील एक जलाशय और जल संरक्षण प्रणाली के रूप में काम करते हुए जैसलमेर में पानी का जीवन रक्षक स्रोत बन गई। क्योंकि आप जानते ही हो जैसे जैसलमेर पूरा रेगिस्तान इलाका है, तो यहाँ पर पानी की भारी कमी थी उस टाइम पे, तो इसलिए ये स्रोत, ये जो आर्टिफिशियल बना है लेक, इसलिए बना था ताकि पानी की पूरे शहर में पूर्ति हो सके। मैं आपको बताता चलूं कि जैसलमेर फोर्ट यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए लेक बनवाया गया था कि वहाँ पे, आप जानते ही हो जैसा मैं आपको पिछली वीडियो में अपनी बता चुका हूँ कि वहाँ पे कम से कम 5,000 लोग रहते हैं। अब पूरी आबादी उस समय, तो अब तो जैसलमेर फोर्ट के बाहर भी लोग रहते हैं, पूरा शहर बस चुका है, लेकिन उस समय आबादी ज्यादा पूरी जैसलमेर फोर्ट के अंदर रहा करती थी। तो इसका पूरा जो ये जो पानी की व्यवस्था हुआ करती थी, तो इसी लेक के द्वारा पानी की व्यवस्था उस फोर्ट में, किले में किया जाता था। कई स्थानीय लोग तो ये भी मानते हैं कि भारतीय थार रेगिस्तान के बीच में एक प्राकृतिक नखलेस्तान भी हुआ करता था, और कई लोग इसको मानव निर्मित बताते हैं। अपनी अपनी धारणाएं हैं। इस प्राचीन झील को अपना नाम इसके महारावल गढ़ी सिंह से मिला, जिन्होंने 1400 ईस्वी में पूरे क्षेत्र को पुनर्जीवित किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी शांति है, यहाँ पर आपको खूब सारे छतरी देखने को मिलेंगे, ये देखिए आप। तो उस समय गर्मियों के समय में, गर्मी तो वैसे भी यहाँ पर बहुत पड़ती है, मैं आपको बताता चलूं कि जैसलमेर में गर्मी बहुत ही, क्योंकि आपको जानते ही हैं कि रेगिस्तान भरा इलाका है, तो बहुत ही भीषण गर्मी होती है यहाँ पर। तो इसी आर्टिफिशियल लेक के सारे राजा रानी को भी मतलब ठंडक मिलती थी, वो यहाँ पर घूमने आया करते थे, सैर सपाटा करने आया करते थे। आप देखिए कितना सुंदर दृश्य है। तो पानी की भरपाई के साथ साथ यहां पर राजा रानी भी सैर सपाटे के लिए आया करते थे। वर्तमान में यहां देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक आते हैं, और झील में कई छतरियां और भगवान के मंदिर भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी यहां पर छतरियां देखने को मिलेगी। आप सोच सकते हैं कि 1156 ईस्वी में यह आर्टिफिशियल झील राजा ने बनवाया था, तो आप सोच सकते हैं कि यार 800-900, कम से कम 900 साल हो चुके हैं, और आप सोच सकते हैं कि 900 साल पहले यार क्या मतलब टेक्निक लगाई होगी आर्टिफिशियल झील बनाने में। यार अद्भुत है, अद्भुत, इतना पुराना यार, क्योंकि आजकल तो आर्टिफिशियल झील बन जाएगी, 200-400 साल पहले भी बन सकती थी, लेकिन यार 900-1000 साल पुरानी जो है आर्टिफिशियल झील, अद्भुत नजारा है यार, अद्भुत टेक्निक अपनाई गई है यहाँ पर। तो भाई लोग देख रहे हो यहाँ पे मतलब कितनी शांति है, यहाँ पे शांति भी बहुत है, और ये लेक मतलब बिल्कुल नेचुरल लेक लग रहा है, बनाया आर्टिफिशियल है, लेकिन कोई कह नहीं सकता देखने में कि ये नेचुरल लेक मतलब आर्टिफिशियल लेक नहीं है और नेचुरल लेक है, पर सच्चाई यही है कि ये आर्टिफिशियल लेक है। ज़बरदस्त है यार। गढ़ीसा लेक में घूमते घूमते हमें एक चढ़ाई दिखती है, तो उसमें हम चढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। देखिए इस तरह की आपको वहाँ पर चढ़ाई देखने को मिलेगी। तो फिर मैंने भी सोचा कि देखते हैं यार, थोड़ा एक्साइटेड हुआ कि चढ़ाई करके देखते हैं क्या है वहाँ पर। तो वहाँ से हमने देखा कि पूरा जैसलमेर दिख रहा है हमें,
और सामने आप देख सकते हो जैसलमेर किला हमें दिख रहा है। ये देखिए सामने, ठीक सामने जैसलमेर किला देखने को मिला। अद्भुत नजारा है, अद्भुत। चारों तरफ यहाँ पर देखिए। वहीं झील के पास ही यहाँ पर हमें छोटे छोटे हवेली टाइप देखने को मिला, ये बनी हुई है और इसमें अब स्थानीय लोग इसमें प्रवास करते हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा रानी जब यहाँ पर आते थे सैर सपाटा करने तो इसमें और गर्मियों में वो यहाँ पर रुकते भी होंगे, क्योंकि यहाँ का आनंद लेते होंगे वो, काफ़ी ठंडक मिलती होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब हम आए थे तो काफ़ी ठंडक थी, क्योंकि आप जानते ही हो लेक आर्टिफिशियल, तो काफ़ी ठंडक थी और अद्भुत नज़ारा था। जब यहाँ पे हमें हवेली की हमने घुसने की कोशिश की तो स्थानीय लोग रहते थे, वरना मैं आपको अंदर का दिखाता कि कैसा बना हुआ है। आप देखिए थोड़ा और जब एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पर आपको छोटा मोटा मार्केट भी देखने को मिलेगा, कुछ चीज़ें बिकती हुई मिलेंगी आपको, आप देख सकते हैं। थोड़ी बार शॉपिंग करना चाहें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं आप। राजस्थान के किसी भी टूरिस्ट प्लेस में आप जाओगे तो शॉपिंग करे बिना तो आप आओगे ही नहीं, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। ये देखिए यहाँ भी आपको छतरी देखते हुए मिलेगी। यहाँ पर जब हम थोड़ा एक्सप्लोर और किया तो यहाँ पर थोड़ा हमें रस देखने को मिला। ये देखिए यहाँ पर रेस्टोरेंट भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर नाव की सवारी भी उपलब्ध है, यहाँ आपको झील के चारों ओर सैर करवाया जाएगा अगर आप नाव से सैर करना चाहते हैं तो। यहाँ भीड़ से दूर अपने खास लोगों के साथ आप शांति भरा कुछ समय भी बिता सकते हैं, काफ़ी शांति यहाँ देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको। और यहाँ बोटिंग करते समय एक बात आपको ध्यान रखना है कि नाव से उतरने और अपने पैर को बाहर निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ऐसा वहाँ पर बताया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग फोटोशूट भी करवाते हैं राजस्थानी ट्रेडिशन में, और काफ़ी लोग मैंने देखा था यहाँ पर। आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको भी देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर फोटोशूट करवा सकते हो, वेडिंग शूट भी करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ का नज़ारा अद्भुत है। आप देख सकते हो नाव, लोग नाव की सवारी करते हुए। जब आप यहाँ पर घूमने आओगे तो यहाँ पर आपको पहले टिल्लन का द्वार दिखाई देगा, एक द्वार दिखाई दे रहा है, इसको टिल्लन का नाम दिया गया है, और जो कि झील के खूबसूरत परिवेश में आपका स्वागत करेगा। और इसे पूरा ये पीले बलुआ पत्थर पर उकेरा गया है, जो गढ़ीसल झील के एक राजसी आकर्षक प्रवेश द्वार के रूप में भी स्थित है। और इस द्वार का निर्माण 19वीं शताब्दी के अंतिम कुछ वर्षों के आसपास जैसलमेर के तत्कालीन शासक के शाही शिष्टाचार द्वारा किया गया था। बाद में यहाँ 1908 में भगवान विष्णु की एक मूर्ति को कृष्ण मंदिर के रूप में यहाँ पर घोषित किया गया था विध्वंस से बचाने के लिए। तो भाई लोग कैसा लगा आपको गढ़ीसल लेक, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।